तो स्पोर्ट्सवादी शो तो आप देख ही रहे हैं और साथ में आप हम दोनों को भी देख रहे हैं क्योंकि मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ हैं अभी अभी, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया भाई। बढ़िया एकदम? एकदम। क्यों नहीं हो गए बढ़िया? क्योंकि जो विनिंग्स आ रही हैं पिछले 2-3 मैचों से वो एक नंबर आ रही हैं भाई। एक भी ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं है प्रेडिक्टर पे जो हम ना जीत रहे हों, और हमने जो अपने दर्शकों को बताए हैं वो ना जीत रहे हैं उससे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश मैच था पिछला जो हमने कवर किया था और जिसकी टीम भी बताई हमने और जिसको प्रेडिक्टर पे हमने कॉन्टेस्ट भी खिलवाया अपनी ऑडियंस को, तो उसमें लगातार हर जगह में जीत आ रही है भाई। विनिंग के उसमें देखो आप चाहे पावर प्ले की बात करो, आप चाहे एनी प्लेयर टू टेक 3 या 3 से ज्यादा विकेट उसमें देखो। क्या कहोगे यार इस बारे में? साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था ना ऋतिक भाई, उसमें हमारी ऑडियंस ने जिस रेट पर हमने उनको कहा था कि वो एंट्री लें, उन्होंने एंट्री ली होगी, उन्होंने अच्छी विनिंग्स की होंगी। जैसे नहीं आपने एक प्रेडिक्शन दी थी एनी प्लेयर टू टेक 3 और मोर विकेट्स, वो सक्सेसफुल गई। साउथ अफ्रीका की विक्ट्री की जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो सक्सेसफुल गई, और जो लास्ट प्रेडिक्शन आपने बताया था 40 और मोर रन पावर प्ले में वो भी सक्सेसफुल गया। हाँ। तो हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं पिछले 2 मैचेस की वो बहुत अच्छी जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं हम अगले मैच में भी अच्छी प्रेडिक्शन दें। अगले मैच की बात करें तो अगला मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। बिल्कुल यार, वेस्ट इंडीज की टीम जो है अपने ग्रुप में 2 में से 2 लगातार मैच जीत के आई है, पर न्यूजीलैंड खतरे में है क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ वो हो गई थी 75 पर ऑल आउट चेज करते हुए, और ये टीम के लिए दिक्कत है, ये मुकाबला उनको जीतना ही जीतना पड़ेगा अब जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। तो ये 26वां मैच T20 वर्ल्ड कप का, पर लेकिन बाकी टीमों के अगर आप देखो तो अभी सिर्फ 2-2 मैच ही हुए हैं। ऐसा ही है भाई, ये जो पूल है ना ये ऐसा ही होता है, पर लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाजी मार देगी। क्यों? मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज ही मारेगी बाजी दोबारा से और न्यूजीलैंड को एलिमिनेट कर देगी। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड बाजी मार जाएगी भाई, क्योंकि दिल दिमाग डेटा का यूज कर जो मैंने प्रेडिक्शंस रखी हैं मेरे आपको मार्केट्स ऑफ द डे में जो प्रेडिक्शंस मिलेंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं न्यूजीलैंड क्यों कह रहा हूं। ठीक है, पर लेकिन अब आप क्यों कह रहे हो उसके बारे में मार्केट्स ऑफ द डे में भी पता लग जाएगा। तो अभी बता दो सारी की सारी मार्केट्स के बारे में, यानी प्रेडिक्टर के बारे में मार्केट्स ऑफ द डे में। तो चलते हैं मार्केट्स ऑफ द डे में, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेडिक्शंस, जिस तरह से आप क्वेश्चंस में एंट्री ले सकते हैं, कौन सी टीम है मैच जीतेगी, कौन से प्लेयर विकेट्स लेंगे, और साथ में एक और चीज ये है कि आप मैच देखते देखते कैसे लाइव खेल भी सकते हो और लाइव जीत भी सकते हो ये भी, और साथ ही साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रॉफिट को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलते हैं मार्केट्स ऑफ द डे में, जहां मेरे सामने पहला सवाल जो मुझे दिख रहा है ऋतिक भाई वो है वेस्ट इंडीज विल विन द T20 मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें यस पे ₹7 है और नो पे ₹3। जो फेवर है क्वेश्चन का वो तो यही कह रहा है कि वेस्ट इंडीज ही जीत रही है। मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा यार, मेरे हिसाब से मैं अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन होता कि न्यूजीलैंड विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो मैं इस पर यस करता, पर बेसिकली आपने जो मेरे सामने सवाल रखा है तो मैं इस पर नो करूंगा। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगी दिल दिमाग और डेटा के एनालिसिस से, और उसके अलावा अगर आप इन दोनों के हुए हुए पहले के मैचेस भी देखें T20 इंटरनेशनल्स में, तो इन दोनों के बीच में हेड टू हेड है 19 मैचों का, जिसमें से वेस्ट इंडीज जीती है 6 और न्यूजीलैंड जीती है 11, और ऊपर से अगर आप हाल फिलहाल का हाल देखो दोनों टीमों का, तो अगर आप ऑन पेपर देखो तो न्यूजीलैंड ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे हर एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड डिपार्टमेंट्स है। वेस्ट इंडीज़ के जो फॉर्म है बल्लेबाजों की वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, पर लेकिन रॉस्टन चेज हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बदलने वाली कड़ी उनकी टीम के लक को। मैं वेस्ट इंडीज़ के फेवर में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो ब्रायन लारा स्टेडियम है वहाँ वेस्ट इंडीज़ का विनिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। जो स्पिनर्स हैं उनके पास अकील हुसैन, गुदेश मोटिया और साथ ही साथ एक स्पिनर रॉस्टन चेज जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। तो जो न्यूजीलैंड के ओपनर्स हैं डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, उसके सामने ऑफ स्पिनर का जो मैचअप बनेगा रॉस्टन चेज का, इसी वजह से मैं वेस्ट इंडीज की तरफ जा रहा हूँ। वेस्ट इंडीज के पास पावर हिटर्स आंद्रे रसल, पॉवेल, पूरन, ये अच्छी खासी उनके पास बैटिंग लाइनअप है जो न्यूजीलैंड को मात दे सकती है। तो दोस्तों मेरे सामने जो क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज विल विन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इस पे मैं यस जा रहा हूं। न्यूजीलैंड बड़ी टीम है जैसा आपने बताया अपने दिल दिमाग डेटा का यूज करके, तो मैं यहाँ 5 पे स्वाइप कर रहा हूँ। 5 की इन्वेस्टमेंट पे जब मैं 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे सामने 500 का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे विनिंग्स है जो मेरी नेट विनिंग्स होंगी ₹500। यहाँ मैंने अपने कॉन्टेस्ट कर दिया स्वाइप और ले ली है कॉन्टेस्ट में एंट्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ऋतिक भाई। सामने मेरे क्वेश्चन दिख रहा है वो ये है वेस्ट इंडीज टू स्कोर 40 और मोर रन इन 6 ओवर्स, क्या कहना है आपका? देखो मेरे हिसाब से 40 तक तो बन सकते हैं इस पिच पे, क्योंकि जो ट्रिनिडैड पे यहाँ पर ये मुकाबला हो रहा है, क्योंकि ट्रिनिडैड में T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है, तो पिच अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होगा, इतना भी डिटोरिएट होने की हम इस पिच पे उम्मीद नहीं कर सकते। तो वैसे तो ओवरऑल नेचर देखो पिच का, तो जैसे जैसे मुकाबला बढ़ता है ये भी जो है बाकी पिचों की तरह, जैसे एंटीगा हो गया, जैसे आप बात करें गायना का पिच है, वैसे ही स्लो होता जाता है। पर लेकिन अभी तो नया पहला मैच हो रहा है इस जगह पर ट्रिनिडैड टोबैगो में, तो मेरे हिसाब से बन सकते हैं 40 6 ओवर में।
और वेस्ट इंडीज बना भी सकती है, हमने टीम का नाम लिया ना सवाल में, वेस्ट इंडीज बना सकती है। मैं आपकी प्रेडिक्शन से एग्री करता हूँ, क्यों इसके अलावा भी कुछ रीजन, जैसे ब्रेंडन किंग है, जॉनसन चार्ल्स हैं, पूरन है, चेज हैं, अगर विकेट गिरता भी है तो वेस्ट इंडीज काउंटर अटैक करने के लिए जानी जाती है। तो वेस्ट इंडीज पावर प्ले में 40 से ज्यादा रन बना लेगी, मैं इस क्वेश्चन में यस की एंट्री ले रहा हूँ। मैं अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ यार ऋतिक भाई 200, बिकॉज आई ट्रस्ट द वेस्ट इंडीज बैट्समैन। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है कॉन्टेस्ट, यहाँ पर मेरे सामने जो रेट दिख रहा है 5 रुपीज़ का, मैंने 200 कॉन्टेस्ट में एंट्री ली है। तो यहाँ मेरे को 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे 1000 रुपीज़ की विनिंग्स मिल रही हैं, जो टोटल अगर ये वेस्ट इंडीज रन बना लेती है तो मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगी। कमाल की चीज़ है भाई। अगला क्वेश्चन जो मेरे सामने दिख रहा है ऋतिक भाई, वो ये है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप जानते ही हो, आप इसकी सारी प्रेडिक्शन आपने ही सही दी है, एनी प्लेयर टू टेक 3 or more विकेट्स। मेरे हिसाब से ना ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होगी अब, क्योंकि अभी ना अब स्टेडियम बदल गया है, ट्रिनिडाड में हो रहा है मुकाबला और T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है यहाँ पर जो हो रहा है इस वेन्यू पर जो मैंने बताया। तो मेरे हिसाब से मैं इस पे नो करूँगा, जो मेरा एनालिसिस पूरा कह रहा है, जो मेरा ओपिनियन है, और वैसे भी मेरे को जो अभी गट फीलिंग आ रही है वो ये कह रही है कि कोई प्लेयर नहीं ले पाएगा 3 या 3 से ज़्यादा विकेट, तो इस पे तो मेरी तरफ से नो कर दो। जो पिच रिपोर्ट है ऋतिक भाई वो कहती है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा रिप मिलने वाला है, साथ ही साथ जो ऑफ स्पिनर्स हैं जैसे रोस्टन चेज है, अकील हुसैन है, ये फेवर में आ सकते हैं। उधर सेंटनर भी हैं अगर आप देखें तो, ग्लेन फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई बॉलर 3 विकेट ले ही लेगा। मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि 3 विकेट कोई ना कोई बॉलर ले लेगा। मेरे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इस पे यस में एंट्री ले रहा हूँ। मैं यहाँ अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ 150, मैंने यहाँ 150 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। मेरे सामने जो इन्वेस्टमेंट है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो है 750 रुपीज़, और जो मेरी नेट विनिंग्स हैं वो भी 750 रुपीज़ हैं। तो अगर ये कॉन्टेस्ट स्वाइप होकर मेरे को कोई ना कोई बॉलर 3 विकेट लेके देता है तो 1500 रुपीज़ विल बी क्रेडिटेड इनटू माय वॉलेट। क्या बात है। तो ये थे मार्केट्स ऑफ द डे, जहां मैंने आपको बताई टीम प्रेडिक्शंस, कौन सा बॉलर कितने विकेट ले सकता है, क्या स्कोर हो सकता है। तो चलते हैं आज के बाजीगर के सेगमेंट में, जहां आपको बताने जा रहे हैं आज के 11 बाजीगर जो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के मैच में कारगर साबित होंगे। मतलब क्लासिक फैंटेसी में बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड मुकाबले की, और क्लासिक फैंटेसी कुछ इस प्रकार होगी। विकेट कीपर्स में निकोलस पूरन और डेवॉन कॉनवे, बैटर्स में डैरल मिचेल, ब्रैंडन किंग, ऑलराउंडर्स में आंद्रे रसल, रोस्टन चेज और मिचेल सैंडनर, बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, गुदाकेश मोटी, अकील हुसैन और मैट हेनरी, वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल और रोस्टन चेज रहेंगे कैप्टन। तो ये तो हो गई ऋतिक भाई क्लासिक फैंटेसी की बात, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्टॉक्स पर। जो आपकी टीम पर मैंने नजर डाली उसमें मैंने देखा अकील हुसैन जो एक प्राइम बॉलर है वेस्ट इंडीज के, मैं उनका स्टॉक लॉन्ग में लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने 2 मैच में 6 विकेट लिए हैं और वो प्राइम बॉलर है। पिच की कंडीशन की भी मैं बात कर ही रहा था आपसे, और मैं दर्शकों को भी बता रहा था पिच की कंडीशन ऐसी है कि स्पिनर्स हैं जो बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर्स हैं, वो बॉल रिप करेंगे, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो सकता है, आपकी बात ठीक है। पर मेरे हिसाब से मैं एक और जो खिलाड़ी जिनका मैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग में लेना चाहूंगा वो है रचिन रविंद्र, और मैं सोच रहा हूँ कि मिचेल सैंडनर का भी स्टॉक जो है ना वो लॉन्ग में लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना। हाँ, इसी वजह से। पर लेकिन मैं केन विलियमसन को अगर रखा जाए तो, अगर माना जाए तो मैं शॉर्ट में लूंगा, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी शॉर्ट में लूंगा। रीजन क्या है कि केन विलियमसन इस पिच पर जो स्टीप बाउंस आएगा जो पेसर से, अल्जारी जोसफ, आंद्रे रसल भी बॉलिंग करने आ सकते हैं पावर प्ले के बाद, आंद्रे रसल आपको पता है मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं, तो केन विलियमसन फंस सकते हैं और सामने अकील हुसैन के भी फंस सकते हैं, तो ये मेरा रीजन रहेगा। गुदाकेश मोटिया को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल वो भी खतरनाक बॉलर है, उनका स्टॉक भी मैं लॉन्ग में लेना चाहता हूं। ले सकते हैं, मतलब बेसिकली ये है कि जो या तो ऑलराउंडर हो, जो कि स्पिनिंग ऑलराउंडर हो, उसके अलावा जो स्पिनर्स हैं उनका स्टॉक यहाँ पर लॉन्ग में रहना ही बेनिफिशियल रहेगा जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके अलावा ये सारी तो बातें हो गई, मार्केट्स ऑफ द डे की बात हो गई, और हमने क्लासिक फैंटेसी टीम भी बता दी, आज के बाजीगर में सारे बाजीगर बता दिए, पर अपने बाजीगरों के लिए क्या गिफ्ट लेके आए उसके बारे में बात करनी है, यानी गिव अवे, जो हम गिव अवे देने वाले हैं। क्या लगता है कि जो वेस्ट इंडीज के जितने भी स्पिनर हैं, अकील हुसैन हो गए, गुदाकेश मोटी हो गए, या अगर आप बात करो रोस्टन चेज हो गए, ये कुल मिलाकर कितनी विकटें लेंगे, अगर ये हमारे दर्शक बता दें, टोटल विकटें बता रहा हूँ, एक की नहीं मैं कह रहा किसी की, कुल मिलाकर ये तीनों इनके प्राइम स्पिनर हैं, ये कितनी विकटें लेंगे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो इनको मिलेगा ₹500 कैश बोनस प्राइस, ये तो मिलना है, और उसके साथ साथ अभी की पप्पी। अगर आपको ₹500 कैश बोनस अपने स्पोर्ट्स बाजी अकाउंट में चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होगी। पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगी कि सबसे पहले आपको इस मैच में जो गिव अवे दिया गया है उसका आंसर 5:30 बजे सुबह, उससे पहले हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ही होगा। और ऋतिक भाई दूसरी कंडीशन जो हमारे यूजर्स आजकल मान रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ 95% यूजर्स ने पैरडी अकाउंट्स बनाने बंद कर दिए हैं। गुड,
तो 95% यूजर्स ने जो पैरडी अकाउंट बंद कर दिए, लेकिन 5% यूजर्स जो अभी भी हमारे से गिव अवे मांग रहे हैं बार बार अकाउंट बनाकर, एक यूजर को एक बार एक ही यूजर नेम से ही गिव अवे दिया जाएगा। ऋतिक भाई और मैं ये बात क्लियर कर चुके हैं, हमारे यूजर्स इस बात को मान रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के अलावा जितने भी मैचेस हैं वो सबकी टीम्स वहां पर मिल जाएगी। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोर्ट्स बाजी ऐप की लिंक है, TBC200 कोड है, उस कोड को यूज करें, 200 रुपए का कैश बोनस पाएं, हमारी प्रिडिक्शंस, हमारी टीम और जितने भी स्टॉक्स ऋतिक भाई और मैंने डिस्कस करें वहां इन्वेस्ट करें, और साथ ही साथ अपने कॉन्टेस्ट को स्वीप करें। और इसके अलावा और भी चीजें हैं। अब अपने टेलीग्राम की एक बात तो आपने बता दी, दूसरी बात यह है कि ज्वाइन करना तो जरूरी है ही, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। ज्वाइन करना जरूरी है टेलीग्राम को, पर लेकिन साथ ही साथ जो एंड मिनट अपडेट्स आती हैं, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं, तो वहाँ पे मिल जाएगी। इस वजह से तो जरूरी है ही है, अभी ने बताई दी आपको वो डांट के। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया जो हमारा अकाउंट है CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी वाला, उसको वहाँ पर फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम समराइज डिटेल देते हैं वहाँ पर देते हैं, जैसे कि टॉप 5 पिक्स क्या होंगी, ये सब जो बातचीत होती है इंपॉर्टेंट फैंटेसी टीम के बारे में या प्रिडिक्टर के बारे में हम वहाँ पर बताते हैं। उसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी, आप देख सकते हैं ऊपर, यही नाम है यूट्यूब चैनल का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चेप सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या फोन पे। तो ये है, इसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जो वीडियो डले तो उसी वक्त नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, चाहे आप मेट्रो पे हो, चाहे आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, और अगर आप किसी को ड्राइव कर रहे हो क्रेजी तब भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड इन द स्पोर्ट्स बाजी शो।